अभी उड़ गई हमारी बचिया और इसके पाँव में लगी भयंकर चोट। इसका राइट वाला पाँव तो काफी सूज भी रखा है। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो आप स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। तो दोस्तों आज मैं यहाँ से जब घर जा रहा था तो एक छोटी सी बचिया जो है गाय की यहाँ पर पड़ी हुई है, तो शायद किसी ट्रक वाले ने या फिर गाड़ी वाले ने यहाँ पर उसके राइट वाले पाँव में मार दिया है, वो इसलिए उठ नहीं पा रही यहाँ पर। और यहाँ पर अभी सड़क पर लेटी हुई है, काफ़ी ठंड से मतलब ठिठुर रही है वो, तो उड़ गई अभी खड़ी। दोस्तों इसके जो पाँव है देखिए यहाँ पर राइट वाला, ये पूरा इसका टूट गया है। हाँ ये देखिए अभी उड़ गई हमारी बचिया और इसके पाँव में लगी भयंकर चोट। इसका राइट वाला पाँव तो काफ़ी सूज भी रखा है और इसने अपना पाँव थोड़ा उठा रखा है, तो इसमें काफ़ी दर्द हो रहा होगा इसको। उसको काफ़ी दर्द हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची आई, बहुत छोटी है वो, और रोड में कम से कम एक घंटा पहले से देख रहा था उसको, बिल्कुल लेटी हुई थी यहाँ पर, जबकि अभी हल्की फुल्की यहाँ बारिश भी आई रही है यहाँ पर, और बारिश से भी काफ़ी भीग गई और काफ़ी ठंड से थोड़ा ठिठुर रही हो। और उसके साथ का एक और गाय यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, और दोनों अभी देखो घास खा रही है यहाँ पर, लेकिन पाँव उसने अभी ऊपर उठा रखा है। ये दूसरा वाला उसका ये साथ का है और ये उसके पीछे, तो अब थोड़ा देखते हैं, अब किसी डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा फिर कि तब वो यहाँ पर आएंगे, तो इसमें थोड़ा पट्टी लगा देंगे क्योंकि उस पाँव को थोड़ा टेक नहीं पा रहा ज़मीन पे। ये देखिए तो शायद किसी गाड़ी वाले ने बिल्कुल पूरा तोड़ दिया इस बच्चे का पूरा पाँव। तो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और उसको जल्दी जल्दी इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगी, जल्दी ये भी ठीक हो जाएगी। इसका भी जल्दी जल्दी इलाज करना पड़ेगा क्योंकि बारिश में भी लगी रही है, बारिश यहाँ पर आ ही रही है और यहाँ पर कोई छत भी नहीं कि जिसको उठा के उसको कहीं पर ऐसी सेफ जगह में रखा जाए जहाँ पर वो अपना सुरक्षित रहे। अभी करते हैं दोस्तों हॉस्पिटल में फ़ोन, अगर उनकी टीम आ जाएगी और इसमें थोड़ा पट्टी वट्टी लगा के भाई जल्दी जल्दी ये गाय भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बारिश यहाँ पर लगभग आ ही रही है, यहाँ पर रुक जुम, कल धूप थी। दोस्तों जो यहाँ पर एक छोटी सी बचिया थी जिसके ऊपर किसी ने अचानक से बाइक चढ़ा दी थी, तो दो दिन पहले यहाँ पर बारिश में भीग रही थी, और यहाँ पर कल भी हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनकी टीम को फ़ोन किया, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे। और आज जो है बच्चे काफ़ी दर्द से यहाँ पर तड़प रही है। ये दोस्तों ये है पड़ा हुआ बचिया, यहाँ पर एक तड़प रही सांस ले रही है, तो डॉक्टर को हमने फिर दोबारा फ़ोन कर दिया है। और इसका जो पाँव है ये वाला देखिए, ये पूरा यहाँ से हड्डी इसकी, ये देखिए बहुत दर्द हो रहा है, देखिए बीच से यहाँ से बिल्कुल क्रैक हो गया। ये शायद किसी बाइक वाले ने चढ़ाई इसके ऊपर बाइक, और आप जैसे कितनी लंबी आँख ले रहा है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी तड़प रहा है। ये देखिए ये है इंसानियत, कल से फ़ोन लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई अब टीम अभी यहाँ पर आई नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चा किस तरह सांसें ले रही है यहाँ पर, तो अगर डॉक्टर आ जाएगा जल्दी जल्दी तो शायद इसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट एड मिल जाएगा इसको, ये जल्दी से थोड़ा ठीक हो पाएगी। लेकिन इसका जो पाँव है ये वाला, इसका जो राइट वाला पाँव है, ये हड्डी यहाँ से इसके बिल्कुल क्रैक हो चुकी है। अब देखिए जो उसका फ्रेंड है, देखिए यहाँ पर ये बच्चे भी इसके साथ ही यहाँ पर घूम रही, मैं दो दिन से देख रहा हूँ इसको। तो दोस्तों इसकी जो दर्द है वो देखा नहीं जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम पानी ला रहे हैं, देखते हैं पानी अगर पी लेगी वो, तो वो लेट गए, तो एक भैया हम पानी के लिए भेज रखा मैंने, तो पानी पिलाते हैं पहले उसको, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखिए इसका जो पाँव है, देखिए दोस्तों ये वाला, ये देखिए ये बिल्कुल क्रैक हो चुका है, बिल्कुल बच जाएगी, लेकिन ये बस उपचार मिल जाए। और ये इसका बड्डी है दूसरा। और जो इसका साथ का जो फ्रेंड है, देखिए उसका साथ ही बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा इसका, ये दोनों बिल्कुल साथ ही रह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने एक छोटी सी रोटी के टुकड़ा दिया और बिल्कुल ही तुरंत खड़ी हो गई यहाँ पर। अभी इसको पानी पिला रहे हैं दोस्तों, अगर पानी पी लेगी और उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर भी आ जाएगा यहाँ पर, पानी भी नहीं पी रही है। ले पानी पी ले, ले। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक घंटा से ऊपर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी टीम यहाँ पर आई नहीं है, बोले लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं, बोले आ रहे हैं, तो अभी किसी जगह में हैं शायद वो, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक वो आई नहीं तब तक हम जाए नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस पर पट्टी लग जाए और थोड़ा ये चलना लग जाए, इसके बाद उठा के एक नीचे खेत है उस खेत में रख दूंगा इसको, वहाँ सेफ्टी है। इसी तरह रोड पर लेटा रहेगा तो हर कोई उसको उठा के ऐसे फेंक दे रहा है और उसका काफ़ी दर्द, जैसे ऊपर से एक गाड़ी आने वाली है, फिर यहाँ बीच सड़क पर लेट गया है, तो इसको मैं जैसे पट्टी लग जाएगी तो इसको उठा के हम नीचे खींच रख दूंगा, तो सेफ वहाँ सेफ रहेगा ये। अब देखो बीच सड़क में यहाँ पर बेचारा लेट गया, फिर ये यहाँ पर लेट गया, तो यहाँ पर देखो गाड़ी आएगी। वो घास भी नहीं खा पा रहा दोस्तों, क्योंकि वो अपने पाँव में खड़ा नहीं हो पा रहा, भरम नहीं हो पा रहा। देखो उसका साथ वाला ये चल रहा है यहाँ पर, अपने घास थोड़ा पेट भर रहा है, और ये तो यहाँ पर लेटा, देखिए शायद इसको दर्द से बुखार भी आ रहा होगा,
और काफ़ी छोटी बच्ची है दोस्तों ये, तो मैं उन लोगों से काफ़ी मुझे शिकायत है जो इतनी छोटी बच्ची को उन्होंने बिल्कुल लावारिस की तरह छोड़ रखा है, और किसी बेचारे ने, भले आदमी ने इसका पाँव दबा के चला गया। और टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन अब देखते कब आ रहा है डॉक्टर, तो मैं तब तक यहीं पर खड़ा हूँ। अब लगातार गाड़ी आ ही रही है, देखिए गाड़ी बड़ी उसे क्रॉस हुई यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब इसको मैं गोदी में उठाता हूँ और यहाँ पर रख लेते हैं उसको नीचे। चल खड़ा हो, मैं तेरे गोदी में उठा, चल चल खड़ा, कोशिश कर। चल 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 लगे दोस्तों, इसके पाँव पट्टी लगा दी हमने और अब हो जाएगा टन हमारा बच्ची आई है। अब जिसकी भी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसका फ्रेंड ये है, तो अब लग गई इसकी पट्टी, देखिए यहाँ पर ये लगा दी प्लास्टर, अब थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इसको। चल बाय, ले एक और रोटी ले, ये खा ले, इतने को देता हूँ, रुक जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर टीम कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आई और तब उस पर पट्टी लगा दी और हमने इसे सेफली यहाँ पर खेत पर रखा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेफ है। देखिए पूरा खेत है यहाँ पर, ये खेत है और यहाँ पर वो रह सकता, क्योंकि रोड पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही उसको। और अब लग गई इसमें पट्टी भाई ये वाली, और अब थोड़ा चल सकेगा ये, ठीक है। तो कमज़ोर भी हो गया काफ़ी और यहाँ पर घास उस खा लेगा, ठीक है बाय। ये देखो चलने लग गया अब, गुड वेरी गुड शाबाश, आ जा। तो फाइनली दोस्तों बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, क्या टीम आ गई और उन्होंने अब यहाँ पर ट्रीटमेंट कर दिया, तो अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो थोड़ा घास खाने लगी जब से उसकी पाँव पट्टी लगाई है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ घर पे और अभी हालात बिल्कुल, जो वहाँ पर जो गाय का छोटा सा बछड़ा है अभी उसकी हालत बहुत सही है, क्योंकि वो पाँव बिल्कुल ज़मीन पर नहीं टेक पा रहा था और अभी उस पर पट्टी लग चुकी है, क्योंकि वो टीम बहुत लेट आई है, लेकिन बहुत लेट आई है और अभी हो गया सही। तो अब उनको सेफ जगह पर रखा गया है, क्योंकि रोड पर गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि उसके लोग धक्का मार के उस बछड़ा को सैड करते रहे हैं। उनको ये पता चल पा रहा है किसी पाँव में चोट है, क्योंकि वो बीच सड़क में लेट जा रहा है वो। और अभी उठा के मैंने उसको दिन में मैंने रख दिया था उसको एक खेत में, तो अब बड़ी अच्छी जगह में आओ, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि अभी वो पाँव उस पाँव को थोड़ा टेकने लग गया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने उस छोटे से बछड़े को यहाँ पर छोड़ा गया है, आप जिस तरह के ये लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जानवरों के साथ, तो उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो लावारिस गाय हैं उनको रोड पर छोड़ दे रहे हैं। और एक छोटी सी बछिया भी कम से कम वो लगभग मुझे लग रही है वो 1.5 साल की भी नहीं है, वो साल भर की होगी शायद, इतना लग रहा है मुझे साल भर की है वो, साल भर की शायद नहीं होगी वो, तभी छोटी बछड़ी है और उसको ऐसी रोड पे छोड़ दिया है और किसी ने उसके अनजाने में बाइक वाले ने शायद उसका पाँव दबा दिया, तो उसकी हड्डी बिल्कुल क्रैक हो गई है। ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं यही सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, जिससे कि इस तरह जो आवारा पशु रोडों पे हैं फिर इस तरह से ना दिखे। लेकिन रोडों में यहाँ पर क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं, आती रहती हैं, तो इससे क्या है कि जानवरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कोई उसके पाँव के ऊपर गाड़ी चला लेता है, कोई उन पर चोट लगा लेता है, कोई उन पर धक्का मार के, मतलब इस तरह चोटिल हो जाते हैं, जिससे कि वो फिर वो तड़प के मर जाते हैं इसी तरह। तो आज की वीडियो दोस्तों में यहीं तक स्किप करता हूँ, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और कैसी लगी ये वीडियो, और उन लोगों के प्रति आप जरूर कमेंट करना, और मैं राजा नवाद मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।